1928 में आज ही के दिन पहली बार मिकी माउस अपनी फिल्म स्टीम बोट विली के साथ बड़े पर्दे पर दिखा था। स्टीम बोट विली दुनिया की पहली बोलती कार्टून फिल्मों में से एक थी। इसके बाद मिकी माउस 130 से ज्यादा फिल्मों में दिखा। मिकी की ज्यादातर फिल्में छोटी होती थीं, लेकिन वह कुछ लंबी फिल्मों में भी आया है। 1942 में लैंड ए पा नाम की फिल्म को बेहतरीन कार्टून फिल्म के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। 1930 से मिकी को अखबारों में भी पढ़ा जाने लगा और 45 वर्षों तक वह लोगों का मनोरंजन करता रहा। अखबारों के लिए फ्लैट ग्रॉट फ्रेडसन कार्टून बनाते थे। 1955 से 1996 तक मिकी टीवी सीरीज मिकी माउस क्लब में भी देखा जाने लगा था। टीवी के अलावा डिज्नी के वीडियो गेम्स में भी मिकी का इस्तेमाल किया गया है। 1963 में आज एक दिन दुनिया के सामने बटन वाला टेलीफोन आया था। अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स ने टेलीफोन में डायलिंग पैड का इस्तेमाल किया था। बटन वाला पहला कमर्शियल फोन पेंसिल्वेनिया में लगाया गया था। ग्राहकों को शुरुआत में इस बात पर भरोसा करना ही मुश्किल हो रहा था कि नंबर वाले बटन दबाकर फोन को लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले फोन में गोल चक्के जैसे डायलिंग पैड हुआ करते थे, जिन पर एक नंबर घुमाकर दूसरे नंबर के लिए चक्का रुकने का इंतजार करना पड़ता था। बटन वाले फोन में पहले 10 बटन हुआ करते थे, लेकिन 5 वर्ष बाद 1968 में एस्ट्रिक्स और हैश के बटन जोड़े गए थे। 1978 में आज ही के दिन अमेरिका के गायन शहर में 276 बच्चों समेत 914 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ये सभी लोग पीपल्स टेंपल क्रिश्चियंस चर्च के सदस्य थे और ज्यादातर लोगों की मौत साइनाइड खाने से हुई थी। आत्महत्या करने वालों ने कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर पी लिया था, लेकिन इस संगठन के प्रमुख जिम जोन्स ने खुद को गोली मार ली थी। इस घटना के एक वर्ष पहले यानी कि 1977 में इस संगठन पर कर चोरी के आरोप लगे थे और इसकी जांच चल रही थी। इस वजह से संगठन के करीब 1000 सदस्य सैन फ्रांसिस्को छोड़कर गयाना चले गए थे। कर चोरी के आरोप लगने के बाद भी संगठन के प्रमुख जिम जोन्स लोगों में काफी लोकप्रिय थे। अमेरिकी संसद ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की, लेकिन जांच रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। 1989 में करीब 50,000 लोगों ने बुल्गारिया के शहर सोफिया में राजनीतिक सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बुल्गारिया के इतिहास में होने वाला यह जनता का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिसमें लिखा था, अब हम प्रजातंत्र चाहते हैं। लगभग 35 वर्षों से शासन कर रहे तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता टोडोर ज़िवकोव के सत्ता से हटाए जाने के सिर्फ 8 दिन बाद ये विरोध प्रदर्शन हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए। ज़िवकोव को उसी वर्ष दिसंबर में बुल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और जनवरी 1990 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। 1992 में ज़िवकोव को गबन का दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा मुकर्रर की गई। और 1991 में आज के दिन 4 वर्ष से बंधक बनाए गए ब्रिटानी चर्च के दूत टेरी वेट को इस्लामी चरमपंथियों ने रिहा किया था। टेरी वेट को 1987 में बंधक बनाया गया था। वेट ने बेरूत में बंधक बनाए गए पश्चिमी देश के कई नागरिकों को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। टेरी वेट के साथ एक अमेरिकी शिक्षाविद टॉमस सदरलैंड को भी रिहाई मिली थी। 1985 में सदरलैंड को बंधक बनाया गया था। ब्रितानी पत्रकार जॉन मैकार्थी और जैकी मैन की रिहाई के बाद इस्लामिक चरमपंथियों की गिरफ्त से रिहा होने वाले टेरी वेट आखिरी ब्रितानी नागरिक थे।